अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गर्मियों के दस्तक देते ही पर्यटकों ने भी अब कुल्लू मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों जहां एकाएक बढ़ते तापमान से निचले क्षेत्रों में तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है, तो अब पर्यटकों का पर्यटन नगरी मनाली में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि इस वर्ष बीते वर्ष की अपेक्षा अप्रैल के महीने में उम्मीद से कम पर्यटक ही मनाली पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से मनाली में पर्यटकों की संख्या में अब बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक गुलाबा बैरियर तक ही जो है वो टूरिस्ट को भेजा जा रहा है, क्योंकि जो हमारा स्नो पॉइंट रहता है रोहतांग की तरफ को, ये स्टेजेस में चलता है। जब तक गुलाबा में स्नो है तो गुलाबा तक ही हम उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्नो पॉइंट मढ़ी ब्यास नाला रहता है, तो वहाँ पे हमने अभी संडे को जो है वो ज्वाइंट इंस्पेक्शन हमने की है। रोड जो है वो लगभग सारा क्लियर है, बट पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहाँ पे, और साथ में जो मोबाइल टॉयलेट्स और कुछ जो बेसिक कम्युनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट करनी होती है टूरिस्ट के लिए, उस पर अभी काम हो रहा है, और 3-4 दिन के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम पर्यटकों के लिए जो है वो उसको बहाल कर पाएंगे। मनाली में बढ़ते सैलानियों की तादाद से जहां मनाली के माल रोड पर पर्यटकों की खासी भीड़ जुट रही है, वहीं मनाली के पास के पर्यटन स्थलों में भी अब पर्यटकों की आवाजाही देखी जा रही है। मनाली से न्यूज के लिए सचिन शर्मा की रिपोर्ट।